हे गाइस, बैक टू माय चैनल माही त्रिंदु ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मेरी शादी का एक मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसकी खुशी में हम जा रहे हैं वृंदावन प्रेम मंदिर बांके बिहारी और राधा रानी के दर्शन करने। तो गाइस, हम वृंदावन गाजियाबाद से बाय रोड जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। और गाजियाबाद से वृंदावन का मार्ग सिर्फ 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे में हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हो गया है हमारा झूला रेडी। हाँ बिल्कुल, लाइट वाइट सारी बंद कर दीजिए। देखो बिल्कुल, बस एक झोला ले जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत हमने जरूरत की सामान भरी है और कुछ ज्यादा नहीं। चलो हम दोनों ग्रीन ग्रीन अच्छे लग रहे हैं। चले तो चलते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हम अपनी कार में बैठ चुके हैं और चल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, और हमने गूगल मैप भी स्टार्ट कर लिया है। जाने से पहले टंकी फुल कराना ही जरूर चाहिए कि रास्ते में आपको पेट्रोल पंप मिले या ना मिले, है ना? कम है। और पेट्रोल हमारे गाड़ी में कम भी है, 1500 का। सो पहले हम पेट्रोल फुल कराएंगे। हे गाइस, तो ये देखो गूगल मैप बाबा हमें दिखा रहे हैं गाजियाबाद से वृंदावन का सफ़र 2 घंटे 42 मिनट का। पर आपके पास अपना साधन है तो आप 2.5 घंटे में भी पहुंच सकते हो, 10-15-20 मिनट पहले भी। तो चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक बार ज़ोर से कहते हैं बांके बिहारी की जय। राधे 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 बोलना, तन का क्या पता। ये पूरा भक्ति में लीन हो चुके हैं। बोल जय श्री राम। सो हम कहाँ पहुंचे हैं बताओ? हम दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा तेज बोलो ना। हम दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। गाइस, हमने गाजियाबाद का एलिवेटेड पास कर लिया है और हम दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मिनी नैनीताल है जहाँ कूड़ों से भरा हुआ पहाड़ है ना, ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कूड़े कूड़ों से बना ये पहाड़ है। और देखो यहाँ पर कितने पंछी गीत वेद उड़ते रहते हैं, इनको यहाँ का अच्छा खासा नाश्ता मिल जाता है इनको सुबह का। हाँ, 500 meters, और यहाँ पर चिकन भी मार्केट मिलता है, यहाँ कूड़े भी मिलते हैं और चिकन का होल सेल मार्केट आप बोल सकते हो। यहाँ पर गाजीपुर मंडी लगती है। सुबह के बज चुके हैं 11:30 और अभी देखो कितने भीड़ है दिल्ली की रोड पर। छुट्टी वाले ना, फिर भी प्राइवेट वाले तो जाएंगे ना, गवर्नमेंट वालों की छुट्टी होती है। प्राइवेट वाले भी छुट्टी होती है, ये तो 4 सैटरडे है, बैंक सब बंद है। अच्छा, सारा कुछ बंद है, फिर भी इतनी भीड़ है ना। ये सब घूमने वाले है ना, ये सब हमारी तरह घूमने जा रहे हैं। छुट्टी है ना 3 दिन की। हाँ सच बोला, सब 3 दिन की छुट्टी है तो इसलिए सभी लोग जा रहे हैं। तो दिल्ली की ट्रैफिक ख़त्म करने के बाद हमने नोएडा में एंट्री कर ली है। नोएडा में आपका स्वागत है। तो ये है यमुना एक्सप्रेस में आपका स्वागत है।
पे चलने की बात ही अलग होती है ना। ये स्टार्ट हो गया है, क्या हो गया? तो यहाँ पर हम हाईवे पर रुके हुए हैं, जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल पीछे मेरे, और बस चलते हैं अब और बैठते हैं गाड़ी में। हाय 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 हाय, गाड़ी का ये बंद कर देते हैं, अच्छे से नहीं लॉक हुआ क्या? हो गया। तो भाई साहब हम यहाँ आ गए हैं जेवर टोल प्लाजा में, और यहाँ पर देखो हमें दिख गया है वृंदावन का प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इसी में तो जाना है। यस। तो गाइज हम यहाँ पर ढाबे के पास रुके हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में 8 बजे उठ गए थे और सब कुछ तैयारी, नहाने धोने में ही टाइम लग गया और 10 बजे हम निकल चुके थे और हमने कुछ खाया पिया नहीं था, तो हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं ढाबे के पास। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है जैसा कि आप देख सकते हो अगल बगल, क्योंकि हाईवे पर आपको पता है बहुत ही लिमिटेड ढाबे मिलते हैं आपको। तो देखते हैं हमें यहाँ कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता। ये देखो सिवा ढाबा, हम यहाँ पर समोसे या पकौड़ी चाय ही खाएंगे क्योंकि ठंड है और चाय का तो मज़ा ही अलग है। और यहाँ पर देखो आप कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हैं क्योंकि सब यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पीने आए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, नमकीन हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो भीड़ भी है इनके शॉप पर, पॉपकॉर्न भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ढाबे पर। खाना तो छोड़िए, आपको जंक फूड भी मिल जाएंगे, फल फ्रूट सब कुछ मिल रहे हैं। तो चलो हम भी यहाँ से कुछ खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ हमने पकौड़ी खाई और चाय पिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, अगर हम कुछ खाने बैठते तो काफ़ी टाइम लग जाता क्योंकि काउंटर पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो बस हमने पकौड़ी खाई और चाय पिया और निकल चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। वृंदावन का सफ़र अब रह गया है सिर्फ 1 घंटे, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये सामने का मौसम यार बताओ, दिसंबर चल रहा है और इतनी चिल वाली धूप है ना। तो गाइस फाइनली हम वृंदावन के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से वृंदावन सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ वृंदावन, और यहाँ पर इस तरह से पोस्टर आपको बहुत ही दिख जाएंगे। वृंदावन के जब 7 किलोमीटर रह जाते हैं ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ढाबे दिख जाएंगे, और यह ढाबे का खाना तो आपको पता ही है बहुत ही बेस्ट होता है। तो हमने सोचा है कि हम थोड़ा कुछ खा पी के चलेंगे, तो हम किसी ढाबे पर रुकते हैं अच्छा ढाबा देखकर।
गाइस हमें यहाँ पर एक गुलशन ढाबा दिखा जो कि हमें अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा पहले हम कुछ यहीं से खा पी लेते हैं फिर आगे चलेंगे। और ये रहा गुलशन ढाबा, हमें भूख भी बहुत लगी थी तो यहाँ सब कुछ था, तो देखते हैं हम क्या खाते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। ठीक है और ये हमने थाली मंगाई है जिसमें दाल मखनी, पनीर, रायता, चावल, सैलेड, रोटी, खाइए। और हमने आलू का पराठा भी बनाया है। कैसा था खाना? क्या सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस बहुत बेकार है ना भैया। देख तो खाना वाना खाने के बाद हम निकलते हैं वृंदावन की तरफ। वृंदावन ढाबा टाटा और इधर हमेशा बहुत डेंजर होता है। इस रोड पर आप लोग को सारे लोग जय श्री राधे 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 लिखेंगे। देखो लोग चलते हुए जा रहे हैं, चल के भी वाइब्स आने लगती है वृंदावन की इस रोड पर। थोड़ा बेकार है कि ये वन वे है रोड, इस पर जाना भी है और आना भी है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप आते हैं अपनी बाइक कार तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पार्किंग कर लेते हैं, दारुक पार्किंग, मथुरा मंदिर से पहले की पार्किंग यहाँ कर लीजिए और यहाँ से ई रिक्शा के साथ चले जाएगा। 100 रुपये किधर फिक्स करेंगे, रिक्शा तो उधर दिख ही नहीं रहा। मंदिर पूछ रहे हैं ना कहाँ जा रहे हैं, आगे हमें जाने नहीं दे रहे हैं और जाना है हमें काफी दूर। ये देखो इतना और हम पैदल चल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने कैश लेके हम नहीं आए हैं, हमें लगा कि विदाउट कैश सारा काम हो जाएगा बट जो कि हुआ नहीं। तो आप जब भी आओ तो यहाँ कैश लेके आओ, यहाँ पर ऑनलाइन की चीज़ें नहीं चलती है, कैश चलता है। तो कैश आप ज़रूर रखो 1000-2000 रुपये, वरना आपको भी हमारे जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस हमने सोचा ना हम पहले बांके बिहारी और प्रेम मंदिर चले जाएंगे, बट हमने क्या किया ना आज हम छुट्टी के दिन आए हैं, छुट्टी के दिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होती है और सारे आने जाने का साधन सब पुलिस वाले बंद करा देते हैं, ना आप अपने बाइक कार जा सकते हैं ना किसी चीज़ से, यहाँ तक ई रिक्शे भी बंद करा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना होता है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में चलते हैं, तो वहाँ पर जाके पहले दर्शन करते हैं फिर देखते हैं हम प्रेम मंदिर कैसे जाते हैं। पर अगर आप छुट्टी के दिन आ रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा रश होती है, तो वही हमारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही पहले पार्किंग करा दी है और ऊपर से हमने कैश भी नहीं लिया था तो बड़ा ही मुश्किल हुआ। फिर एक दुकान वाले को हमने पैसे पे करके फिर उससे कैश लिया है, तब जाके कैश मिला हमें, फिर भी हमें जो रिक्शे वाले हो ना वो पहले ही छोड़ दे रहे हैं और हमें बहुत अंदर तक पैदल जाना पड़ रहा है। तो जिनका फर्स्ट टाइम सफ़र है वृंदावन का तो प्लीज़ दिल को मजबूत रखिए और चलते जाइए प्रभु का नाम लेकर, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। और अगर आप छुट्टी में आ रहे हैं तब तो मत पूछो भाई साहब कितना चलना पड़ता है।
तो चलिए हम आपको जन्म कृष्ण भगवान की जन्म भूमि के मंदिर में ले चलते हैं, देखते हैं वहाँ वीडियो बनाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वृंदावन आओ और राधे राधे ना बोलो, ऐसा हो सकता है नहीं ना, तो हमने सोचा हम क्यों ना हम भी पूरी तरह से लीन हो जाते हैं वृंदावन में। तो हमने इस तरह से राधे राधे तन मन में लिखवा लिया और ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से बना रहे थे। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे हम पहुँचे हमें पता चला कि हम मोबाइल नहीं ले जा सकते तो वीडियो नहीं बना सकते। तो जितना हम दिखा सकते हैं जितना वीडियो बनाने को परमिशन थी उतना हमने वीडियो बना के आपको दिखा दिया। तो चलो हम इनके अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं, जब आप आइएगा तो आप दर्शन कर लीजिएगा। जय श्री राधे। ये देखो मैडम ये सैंडल लेके। तो गाइस कृष्ण जन्मभूमि घूमने के बाद हम प्रेम मंदिर बड़े ही मुश्किल से पहुँचे, जैसा कि आप मेरी हालत देख रहे हो। मैं तो पूरा रेडी शेडी होके घर से आई थी और फाइनली हम प्रेम मंदिर के रास्ते पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बस सोच रही हूँ किसी तरह से दर्शन हो जाए। बहुत ही चलना पड़ा यार, मतलब छुट्टी के दिन अगर आप आते हो ना तो बड़ा ही चलना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि छुट्टी के दिन ना आइए, बाकी दिन में आइए तो आपको आराम से साधन मिल जाएगा, आराम से आप पहुंच सकते हो और प्रभु के राधे रानी के आप आराम से दर्शन कर सकते हो। बट हमने सोचा हम आए हैं छुट्टी में, चाहे कुछ भी हो जाए हमें दर्शन तो करना ही है। तो बस हम चलते जा रहे थे प्रभु की भक्ति में, पता ही नहीं चला। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सामने से मुझे मंदिर दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, हमें दिख रहा है। तो गाइस आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा रश है और इसी रश के साथ हमें अंदर जाना है। प्रेम मंदिर के गेट पर एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज़ को लगा रखा है, तो हम दोनों अलग हो गए हैं और हमने फ़ोन लिया है, हम अंदर जाके कॉल कर लेंगे फिर साथ में मिल जाएंगे। तो चलिए आपको हम अंदर ले चलते हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और आते ही हमको ये भव्य मंदिर का नज़ारा दिखा जो बेहद खूबसूरत था, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मतलब सारे दिन की थकान सब मिट गया। आपको पता है कि हम सुबह के निकले हुए हैं, अब जाके हमें प्रेम मंदिर के दर्शन हुए। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती हूँ, मतलब ये मंदिर सामने देख के कितनी ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलो हम आपको वृंदावन के प्रेम मंदिर का एक वर्चुअल टूर कराते हैं, यहाँ की वाइब्स कैसी है तो चलिए देखते हैं। तो हे गाइस मैं आपको प्रेम मंदिर का इतिहास बताती हूँ। प्रेम मंदिर जैसा कि आपको पता है वृंदावन में है और वृंदावन आपको पता है मथुरा में है। और प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज ने कराया था, जो 55 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है।
जिसको बनाने में 150 लागत आई थी। और इस मंदिर में आपको कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं दिख जाएगी, चाहे वो गोपियों के साथ हो या फिर आप गांव के साथ हो। इनमें कृष्ण भगवान ने अपने जीवन काल में जो जो भी चीज़ें की थी वो सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर का सुबह का खुलने का टाइम 8 बजे से है और शाम के 8 बजे तक। आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ के इस भव्य मंदिर का के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं और बिलीव करिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो जब भी आप मथुरा आते हैं तो वृंदावन ज़रूर आइए और वृंदावन में प्रेम मंदिर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा।